नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सपा नेता आजम खान के मुकदमों को लेकर क्या आई बड़ी खबर, तो वहीं सोनभद्र में दबंगों की दबंगई की तस्वीरें क्यों हो रही वायरल। साथ ही दिखाएंगे आपको पूरे देश में कैसे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इतना ही नहीं, आपको मथुरा वृंदावन में हो रहे कान्हा के आने का इंतजार की तस्वीरें भी दिखाएंगे। मगर सबसे पहले रुक करते हैं पीलीभीत से, ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना तो उनको पुलिस का डर ना ही कानून का। ये दबंग इतने बेफिक्र हो गए हैं कि आए दिन कोई ना कोई घटना को अंजाम देते ही रहते हैं। शायद इन दबंगों और बदमाशों को यकीन है कि वो कुछ भी कर लें, कानून और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसको तो देखकर ऐसा ही लग रहा है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स ना जाने कितनी बार घर के सामने खड़ी महिला पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स के चेहरे को देखने से जरा भी नहीं लग रहा कि ये जो कर रहा है उसको लेकर इसे जरा सा भी डर है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पीलीभीत के माधोटांडा इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें ये शख्स एक घर में घुसकर महिलाओं पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही घर के सभी लोगों को धमकी भी दे रहा है। जब महिलाओं के शोर शराबे को गाँव के लोगों ने सुना तो उनको बचाने के आए। शख्स ने जब देखा कि भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां से भाग गया। आरोपी ने जो किया वो वाकई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हां, सारे सबूतों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद यही वजह है कि यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां भगवान कृष्ण के स्वागत को धर्मनगरी में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का विशेष पर्व त्यौहार है। इस दिन भगवान विष्णु के कृष्ण के अवतार के लिए भक्त भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही जन्माष्टमी के पर्व को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। सुबह से ही लोगों ने भगवान कृष्ण का व्रत रखा और मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन किए। यहां सरोवर नगरी में भी कई स्थानों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। इस मौके पर यहां नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तत्वाधान में भगवान कृष्ण का डोला आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान समिति के महासचिव ने यजमान प्रकाश चंदौला पत्नी समेत पूजा अर्चना करवाई। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण और राधा की भूमिका में नजर आए। कृष्ण भगवान के जयकारों से सरोवर नगरी देर रात गूंज उठी। समिति के अध्यक्ष खुशाल सिंह रावत और महासचिव पीसी पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि नव सांस्कृतिक सत्संग समिति विगत 52 वर्षों से लगातार जन्माष्टमी पर्व और रामलीला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं यूपी के अलीगढ़ में भी जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लगातार पूरी रात उत्सव मनाया जाएगा। आज भी मंदिरों में सजावट का कार्य शुरू हुआ। अलीगढ़ के विधानसभा इग्लास में कान्हा के मंदिरों को सजाने के लिए दूर दराज से कारीगर बुलाए गए। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। कस्बे में मथुरा रोड पर स्थित श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर जन्माष्टमी पर चकाचौंध नजर आ रहा है। सुबह से लेकर मंदिर की सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। देर रात तक जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आसपास क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग श्रीकृष्ण के मंदिर पर होने जा रहे उत्सव में हिस्सा लेने दूरदराज से आई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भजन कीर्तन के साथ ही श्रीकृष्ण के मंदिर पर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसको लेकर मंदिर के सेवक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का सुबह से ही आना शुरू हो गया है। जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। वहीं बुलंदशहर में एसएसपी शिलोक कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के दृष्टिगत पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। एसएसपी शिलोक कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में
पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने तथा शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने आपसी सौहार्द बनाए रखने भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से भीड़भाड़ वाले इलाकों महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया गया। सपा नेता आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी से मुलाकात की है। हाल ही में आजम खान पर गवाहों को धमकाने के मामले को लेकर रामपुर में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा सांसद एसटी हसन के साथ कई सपा विधायक भी मौजूद थे। मुकदमा दर्ज करने को लेकर सपा नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शुरू करने की कोशिश हुई है, उसी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए हैं और ये कहने आए हैं कि इंसाफ मिले, क्योंकि नहीं मिलेगा तो मजबूरी है लोगों की कि लोग सड़कों पर आए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। आपको नहीं पता कहाँ है? नहीं, नहीं नहीं, लोगों को सब पता है, लोगों को सब पता है कहाँ है। अब क्या कर सकते हैं, जो आदमी इतना बीमार हो, अस्पतालों में रहा हो, आज भी जेरे इलाज हो, वो गवाहों को धमकाए, ये बात ना आपकी समझ में आएगी ना मेरे। बस्ती जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 15 साल के बच्चे की एईएस सिंड्रोम दिमागी बुखार से मौत हो गई। परिजनों ने बीती रात तेज बुखार और झटका आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इलाज में लापरवाही से मौत के बाद परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। डॉक्टर राम प्रकाश ने बताया कि कलवारी थाना के बहादुरपुर का रहने वाला 15 साल का मासूम अनस को परिजनों ने तेज बुखार और झटका आने पर जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जिसके बाद बच्चे को चिल्ड्रन वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर राम प्रकाश ने बताया कि बच्चा एईएस से पीड़ित था, दिमागी बुखार की वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों शिकायत की है और यहां पर तोड़फोड़ भी की गई, ऐसे में शव का पोस्टमार्टम करना भी जरूरी है। इमरजेंसी में भर्ती हुई, उस समय इनको एईएस था और अभी डॉक्टर से बात हुई थी, जिन्होंने देखा कल, तो उन्होंने बताया कि एईएस मतलब वही दिमागी बुखार का है और उसमें झटके आ रहे थे, तो वहाँ झटके के लिए दवा दिया गया, झटका कुछ कम हुआ तो उनको पीआईसीयू में यहाँ भेज दिया गया, क्योंकि 15 साल का था बच्चा, तो हुआ कि भाई पीआईसीयू में वहाँ थोड़ा सा बेहतर व्यवस्था रहेगी इसकी। प्रयागराज के सराय मंसूर गांव में अधेड़ के अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को बाहर स्कूल के पास फेंक दिया। सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची हांडिया पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल सभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों हुई है, कैसे हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह प्रयागराज में जाकर मजदूरी वो करते थे, कभी कभी बड़े हनुमान जी के मंदिर पर रुक जाते थे। गुरुवार को सुबह सराय मंसूर निवासी रामनाथ भारतिया प्रतिदिन की तरह प्रयागराज मजदूरी करने गए थे। शाम को घरना पहुंचने पर परिजनों ने सोचा शायद मंदिर पर रुक गए होंगे। वहीं जब सुबह हुई तो शौच के लिए गए ग्रामीणों ने रामनाथ का शव प्राथमिक विद्यालय सराय मंसूर के पास एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा। सिर पर चोट के निशान भी थे। वहीं ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दबंगों की दबंगई थमती नजर नहीं आ रही है। मामला श्रावस्ती के भींगा कोतवाली अंतर्गत केवलपुर गांव का है, जहां बदमाशों ने घर और दुकान पर हमला बोल दिया, साथ ही पानी प्लांट और परचून की दुकान में भी तोड़फोड़ की। दबंगों ने घर में मौजूद लोगों से मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर में कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास पंचायत राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने विकासखंड गुलावटी के अंतर्गत गांव मोहना में ग्राम पंचायत ने स्व के संस्थानों से आय के स्रोत उत्पन्न करने पर सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को परफॉर्मेंस ग्रांट से कराए जा रहे कार्यों का सत्यापन दिया। साथ ही परफॉर्मेंस ग्रांट सेवा गाँव में बनाए गए खेल मैदान एंड डिजिटल लाइब्रेरी की भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर डिजिटल लाइब्रेरी में ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण कर रहे बच्चे भी पहुंचे थे, उनसे भी जानकारी ली गई। बच्चों ने कहा कि गांव में डिजिटल लाइब्रेरी से बनने से उनके शिक्षण कार्य में काफ़ी सहयोग मिल रहा है।
लाइब्रेरी में इंटरनेट के साथ ही सभी आवश्यक वस्तु दी गई हैं। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में एक बाइक पर जा रहे पिता और बेटे और उसकी बेटी को गांव के ही मंचरों ने बीच सड़क पर बाइक रोककर उनके साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित दयालु ने बताया कि वह चतरा से अपने घर गोठी बांध जा रहा था, साथ ही वो पन्नूगंज क्षेत्र से बरेल नहर के पास पहुंचा था। पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के कुछ लोग पुरानी रंजिश के चलते दयालु उसके बेटे और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें तीनों घायल हो गए, लेकिन इसमें बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनके दौरान यहाँ से पहली तारीख निकल गई घर से, हम रहते थे चतरा के बगल में, वही दिना से हमारे हिताई नताई कुल खोजत हो जा रोज खोजत हो। कौन खोज रहा है? विनोद खरपत्तू रजिंदर, एक बाद मनोज बबुंदर, इतना लोग तो क्यों खोज रहे हैं लोग, क्यों मारपीट कर रहे हैं? है हम लोग गाड़ी से जा रहे थे घर, इंचार्ज बोले थे कि घर जाओ तुमको कोई नहीं बोलेगा। हम लोग पहली तारीख से घर छोड़े हैं, बहुत बार एप्लीकेशन भी दिए हैं, परसों एसपी किन भी गए थे, मतलब सूचना चारों तरफ दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रास्ते में जब जा रहे थे तब मोटरसाइकिल उन लोगों ने पीछा करके और हम लोगों को मारने पीटने लगे। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने रात में थाना अगौता का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी ने थाना कार्यालय के अभिलेख, शस्त्रागार, त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना आदि की साफ सफाई आदि को चेक किया है। एसएसपी ने थाना प्रभारी को अभिलेख पूर्ण कराने, थाना परिसर को स्वच्छ रखने और प्रतिदिन अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम, यातायात नियमों का विशेष रूप से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर के जिला कलेक्ट्रेट में डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा साल 2021-22 के प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया। बैठक समिति के सदस्य गणों द्वारा स्टेडियम के क्षतिग्रस्त बॉक्सिंग रिंग की मरम्मत कराए जाने, कबड्डी खो खो के लिए नया मैट उपलब्ध कराने जाने तथा स्टेडियम रोड हेतु अप्रोच रोड पर हुए गड्ढों की मरम्मत कराने जाने का जिलाधिकारी से अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने क्रीड़ा अधिकारी को समिति सदस्यों द्वारा उठाए गए समस्याओं के निराकरण समय से करने के निर्देश दिए। कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन हेतु युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। इस दौरान बैठक में जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र ग्राफ्टी में स्थित नगर पालिका की अधिकारी निहारिका चौहान ने हर घर तिरंगा की मुहिम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने वाले स्कूल के बच्चों को सम्मान समारोह में सम्मानित किया। नगर पालिका में आयोजित सम्मान समारोह में सिकंदराबाद क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह को भी सम्मानित किया गया है। अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान द्वारा आयोजित जन सम्मान समारोह में तमाम लोग पहुंचे थे और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बुलंदशहर के चांदपुर रोड हाईवे पर मृतक युवक योगेंद्र के शव को रखकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों पर युवक को जान से मारने का आरोप लगाया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2022 को मृतक युवक योगेंद्र अपने घर ले गया था, जहां योगेंद्र की पत्नी ने अपने प्रेमी निवासी चांदपुर कन्हैया के साथ मिलकर सिर में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों ने योगेंद्र के सिर में गोली लगने पर दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका है।
आगरा में ताजमहल का दीदार करने वाले विदेशी पर्यटक ताज की खूबसूरती को तमाम स्थानों से निहारने की हसरत दिल में लिए मेहताब बाग ताज व्यू पॉइंट आते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की मनमानी पर्यटकों को रास नहीं आ रही है। दरअसल गुरुवार शाम को स्पेन से पर्यटक आना अपने साथी आद्रियान के साथ मेहताब बाग से ताजदार करने को पहुंची थी। 300 रुपये प्रति पर्यटक के हिसाब से उन्होंने 600 रुपये एंट्री शुल्क भी चुकाया, लेकिन 10 मिनट बाद ही मेहताब बाग प्रशासन ने आना और आद्रियान को मेहताब बाग से बाहर कर दिया। वो ताज का दीदार भी नहीं कर पाए। ताज को देखने की चाहत में उन्होंने ताज व्यू पॉइंट पर भी 200 रुपये की टिकट ली थी। आना ने मेहताब बाग प्रशासन पर नियम विरुद्ध मेहताब बाग को सूर्यास्त से पहले बंद करने पर नाराजगी जताई है। संभल के ब्लॉक असमौली के गांव भटपुरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव की योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब पर निर्माण धामपुर बायो ऑर्गेनिक असमौली यूनिट संभल की ओर से किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्मित अमृत सरोवर तालाब का फीता काटकर लोकार्पण किया और तालाब को गांव की जनता को सौंप दिया। डीएम मनीष बंसल ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असमौली यूनिट की ओर से अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है, जिसको साफ स्वच्छ और रखरखाव अभी आपकी जिम्मेदारी है। इस तालाब के चारों ओर बैठने के लिए बेंच और ट्रैक तैयार किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की परिकल्पना और संकल्प था कि प्रत्येक जिले में 75 तालाब डेवलप किए जाएं। कार्यक्रम में स्मॉल यूनिट हेड संजय शर्मा, एसडीएम संभल विनय मिश्रा, वीडियो स्मॉली ग्राम प्रधान सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।